पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यमुनानगर की जगाधरी अनाज मंडी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री कमल पाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और योगा की क्रियाओं में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने नायब सैनी को स्क्रीन के माध्यम से एक अपनी प्राचीन विधा है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की है और ये एक ऐसी है जो आपके शरीर को के साथ साथ आपके मन को भी स्वस्थ रखती है। केवल आदमी का अगर शरीर ही स्वस्थ है, अगर मन स्वस्थ नहीं है वो भी अच्छा लक्षण नहीं है, तो उसका मन भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो उसके लिए एक ही विधा है और ये विधा दुनिया में सबसे प्राचीन और हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसकी खोज की और आज ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय रही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी दी और यहाँ पर देश में जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जी ने, हालांकि ऐसा नहीं कि रामदेव जी ने शुरू कराया, शुरू तो पहले से है, प्राचीन है, बहुत सब प्रयास कर रहे, लेकिन रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इसको पूरे समाज में पॉपुलर करने का काम उन्होंने किया और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में योग के महत्व को लोगों के सामने रखा और आज पूरी दुनिया योग में रुचि ले रही और अपने आप को स्वस्थ। सर, ये 170 देश ऐसे हैं जो जिन्होंने योग को अपनाया है और अब शायद कुछ और भी संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन 170 देशों ने इसको अपनाया और वहाँ पे योग हो।